नमस्कार दोस्तों, तो आज के जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 10,000 रुपए के अंदर जनरली कोई ब्रांडेड कंपनी की तरफ से वो भी एक अच्छा खासा लेने लायक स्मार्टफोन जनरली लॉन्च नहीं होता, लेकिन फाइनली मोटोरोला ने मोटोरोला E32H नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका एक वेरिएंट का प्राइस है 9,300 रुपए, दूसरे वेरिएंट का प्राइस है 10,000 रुपए। और अगर आप इसे पहली सेल में लेंगे, मतलब अगर इसके इंट्रोडक्टरी प्राइस में लेंगे, तो ये फोन आपको मिलेगा 8,800 रुपए पे। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में, मतलब इस 8,400 रुपए के आसपास आपको Xiaomi की तरफ से मिलेगा Redmi 10A नाम का स्मार्टफोन जो कि एक महीने पहले लॉन्च हुआ था। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल इस दोनों फोन के बीच में कौन सा बेटर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो नोटिफिकेशन आइकन उसे भी जरूर एक्टिवेट कर देना जिससे कि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करेंगे पहले तो इसके प्राइस को देख के। तो ये जो मोटोरोला E32S टोटल दो वेरिएंट पे अवेलेबल है, 32GB और 64GB, जैसे कि मैंने कहा था 9,300 रुपए और 10,000 दोनों प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन जो Redmi 10 है उसका 32GB का प्राइस है 8,500 और जो 64GB उसका प्राइस है 9,500 रुपए। तो इसका मतलब Motorola जिस प्राइस पॉइंट में आपको 32GB प्रोवाइड कर रहा है उसी प्राइस रेंज में Redmi आपको 64GB दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों पे आपको ऑलमोस्ट 6.5 इंच के आसपास डिस्प्ले मिलेगा जो कि HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। मोटोरोला पे जहाँ पर आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, उसी जगह पे Redmi पे आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और दोनों पे मिलेगा 450 निट्स तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस। और इधर में एक और चीज़ लिखना तो बिल्कुल ही भूल गया था, ये जो Redmi 10 है इसका जो डिस्प्ले का नॉच वो आपको मिलेगा पुराने जमाने का वी शेप्ड नॉच, लेकिन जो मोटोरोला उसमें आपको डॉट नॉच मिलेगा। तो मतलब यही चीज़ कह सकते हैं डिस्प्ले के मामले में मोटोरोला डेफिनेटली इधर बेटर है। तो इसके बाद अगर थोड़ी CPU की अगर बात करें तो जो Redmi 10 है उसमें आपको मिलेगा Helio G25 प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, लेकिन इस Motorola पे आपको मिलेगा Helio G37 प्रोसेसर, ये भी 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। जो Redmi 10 है उसका Antutu स्कोर है 93,000 के आसपास और जो Motorola उसका Antutu स्कोर है 115,000 के आसपास। तो मतलब इस मामले में, मतलब इस परफॉर्मेंस के मामले में Motorola इधर स्लाइटली बेटर है कम्पेयर टू Redmi। तो नेक्स्ट अगर थोड़ा की कैमरे की अगर बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा बस 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, Motorola पे उधर आपको मिलेगा 16:2:2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। Redmi पे जहां पर आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Motorola पे उधर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप में इधर भी Motorola डेफिनेटली विनर। और इसके बाद अगर दोनों के वेरिएंट की अगर बात करें, इधर दोनों स्मार्टफोन में आपको 32GB 64GB दोनों वेरिएंट मिलेगा, दोनों पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, दोनों पे रैम का क्वालिटी LPDDR4X और eMMC 5.1 क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज। इसका मतलब बेटर क्वालिटी वेरिएंट के मामले में दोनों स्मार्टफोन है एग्जैक्टली सेम। और नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी की अगर बात करें, इधर दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000mAh बैटरी मिलेगा, Redmi पे आपको मैक्सिमम 10 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन Motorola पे आपको मैक्सिमम 15 वाट के चार्जर का तो सपोर्ट मिलेगा लेकिन इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा 10 वाट का चार्जर। Motorola पे जहाँ पर आपको मिलेगा USB टाइप सी का ऑप्शन, उसी जगह पे Redmi पे आपको मिलेगा microSD पोर्ट का ऑप्शन। इसको मतलब बेटर क्वालिटी चार्जर और पोर्ट के कॉम्बिनेशन पे Motorola इधर है डेफिनेटली विनर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों कुछ एक्स्ट्रा फीचर की अगर बात करें तो Motorola पे आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Redmi पे आपको मिलेगा रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों पे 3.5mm जैक मिलेगा। Motorola का ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, Redmi पे आपको मिलेगा Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स। Motorola पे आपको जो डिस्प्ले वो आपको मिलेगा डॉट नॉच, Redmi पे आपको मिलेगा वी शेप्ड नॉच। अब बट इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो ये जो Motorola E32S क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अब देखिए इधर आपका बाइंग डिसीजन में आसान कर देता हूँ। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए Motorola विनर, बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए Motorola विनर, बेस्ट क्वालिटी कैमरा चाहिए Motorola डेफिनेटली विनर, रैम रोम के कॉम्बिनेशन पे दोनों एग्जैक्टली सेम, बैटरी चार्जर पोर्ट के कॉम्बिनेशन पे इधर भी Motorola बेटर, और अगर बाकी फीचर जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 12 अगर इसके में बात करें इसमें भी Motorola डेफिनेटली विनर। तो मतलब वीडियो का आखिर में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका प्राइस है आज के दिन में 9 से 10,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेना और अगर आप सोच रहे Redmi का ए फोन लेंगे या फिर Motorola E32S लेंगे तो आपको 100% Motorola E32S को ही लेना चाहिए। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा लेना चाहेंगे
उसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड या फिर कंपैरिजन रिलेटेड या फिर ऐसा कोई भी स्मार्टफोन या फिर एक्सेसरी रिलेटेड न्यूज अगर सबसे पहले लेना है, नीचे आप देख सकते हैं एरा गैजेट वर्ल्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको हर एक न्यूज सबसे पहले मिल जाएगा। मतलब मेरे वीडियो बनाने से पहले या फिर पूरे यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले भी सबसे पहले उधर आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगा। इसलिए इस वेबसाइट पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वेबसाइट को जरूर बुकमार्क कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।